मॉर्निंग, मैं आपकी श्वेता मैम एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाएंगे और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों यदि आपको मैथ्स का वीडियो चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं प्रभात सर जी। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है टिश्यू, और टिश्यू चैप्टर में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी कर लिया है। एनिमल टिश्यू का हमारा फर्स्ट एपिसोड हो चुका है जिसमें हमने देखा था कि एनिमल टिश्यू के क्या क्या इनके बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा एनिमल टिश्यू आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू का डिवीजन पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। देखिए एनिमल टिश्यू जो होता है, एनिमल टिश्यू मतलब क्या, जैसे मैं क्या हूँ, एक एनिमल हूँ। ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, एक स्मार्ट एनिमल होते हैं। ठीक है, ऐसा एनिमल सबसे सुपीरियर एनिमल मतलब जिसके पास ज्यादा दिमाग है ना, जो ज्यादा सोच समझ सकते हैं, ज्यादा तर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें जानने की बहुत सारी इच्छा होती है, हम लोग भी क्या आते हैं एनिमल्स में ही होते हैं, सबसे सुपीरियर एनिमल सबसे स्मार्ट एनिमल है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर का जो सारे टिश्यूज हैं, हमारे शरीर में बने हुए जो सारे टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज को इनके स्ट्रक्चर के बेस पर और इनके फंक्शन के बेस पर ये काम क्या करते हैं और ये बने हुए कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बेस पर हमारे शरीर के सारे टिश्यूज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू। यानी कि हमारे शरीर में जो टिश्यूज का जो ग्रुप है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। क्यों डिवाइड है, किस बेसिस पर डिवाइड है, तो इनका बेसिस हमने क्या लिया है, स्ट्रक्चर की, ये दिखने में कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये काम क्या करते हैं, इस बेस पर हमने टिश्यूज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपने देखा यहाँ पर कि एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है एक्टो, मीजो और एंडो। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के नीचे भी यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, नर्वस टिश्यू के नीचे भी यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है। तो सबसे पहले एक 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 चीजें हम क्लियर करते चलते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा जो ये एपिथेलियल टिश्यू नीचे ये जो बॉक्स बना हुआ है, इन बॉक्स की चीजों को पढ़ने के लिए हमको बॉक्स के नीचे चलना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा बॉक्स बना हुआ है, यानी कि ये उस बॉक्स का पूरा एक्सप्लेनेशन है, इन चीजों का एक्सप्लेनेशन हमने यहां तक किया है। ठीक है बच्चों, जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है, धरती पर पाए जाने वाले हर एक इंसान की जर्नी कहां से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है गैमेट से। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट का नाम क्या होता है, ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं, तो मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट का नाम है स्पर्म और फीमेल गैमेट का नाम होता है ओवम। ठीक है, ये है स्पर्म और ये क्या है, ओवम। ओके, ये हो गया मेल गैमेट और ये हो गया फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, एन। ठीक है ना, एन यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, आधे होते हैं, और उस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू होती है 23। ठीक है, यानी कि स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है। उसी तरीके से फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं ओम, ये हमारा ओम है। ठीक है, और ओम में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या हो गई 23। ठीक है, ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। जब ये स्पर्म ओम दोनों मिल करके इन्होंने क्या बनाया, ये बनाते हैं जायगोट। ठीक है, स्पर्म और ओवन का आपस में फ्यूज होना, इनके न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज हो जाना और फ्यूज होकर के जायगोट बनाना, ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ और जायगोट बन गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जायगोट के अंदर कितने हैं, देखिए 23 और 23 है ना, 23 और 23 कितने हो गए, टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। और एन और एन के फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2n। ठीक है, 2n का मतलब क्या, 2 × 23, एम इज 23। ठीक है ना, तो 2 × 23 = 46, यानी कि जायगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम है, तो जायगोट के अंदर हो गए टोटल 46 क्रोमोसोम। ओके, अब ये जो जायगोट होता है ये कितने सेल से बना हुआ है, ओनली वन सेल, जायगोट हमारा केवल एक सेल का स्ट्रक्चर है ये। ओके, अब ये जो जायगोट होता है बनने के बाद ये सेल डिवीजन स्टार्ट करता है, क्योंकि एक सेल से तो काम चलने वाला है नहीं, हम इंसान जो होते हैं बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, लगभग एक एवरेज अगर हम बात करें तो 10^14 सेल्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हम सेल से बने हुए हैं, तो एक सेल यहाँ जायगोट जबकि क्या है, सिर्फ एक सेल है। हमारी जर्नी जो है, हमारी लाइफ यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना। ठीक है, हर एक इंसान ये फेज पार करके ही आगे बढ़ता है ना।
तो जायगोट बना, इस जायगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए 46। अब ये जायगोट क्या होता है, एक सेल का होता है, इसको अपनी संख्या बढ़ानी होती है, तो ये स्टार्ट करेगा सेल डिवीजन, है ना, यानी कि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होते 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 इसकी संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पूरे 150 सेल का जब ये पूरा एक बॉल तैयार हो जाता है, है ना, मतलब बहुत सारे सेल्स इसमें हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि इन सारे सेल्स ने अब डिसाइड किया कि अब हम कौन सा ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, मतलब इतने सारे सेल्स अब हम लोग हो गए हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे काम डिवाइड होना चाहिए कि तुम हार्ट बना लेना, तुम लंग्स बना लेना, किडनी कौन बनाएगा, है ना, और स्टमक कौन बनाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें कौन बनाएंगे, फेस कौन बनाएगा, ठीक है, ब्रेन हमारा कौन बनाएगा, तो अब इनमें डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, अब काम का बंटवारा होगा। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो के जो सारे सेल्स होते हैं वो 3 लेयर में ये अरेंज होते हैं, ठीक है ना, 3 लेयर में, यानी कि एक लेयर में यहाँ पर पूरे सेल्स ही सेल हैं, ठीक है ना, पूरे सेल का, अब जितने सारे सेल थे ना वो सारे सेल एक लेयर और दूसरा लेयर और तीसरा लेयर, है ना, 3 लेयर में सारे के सारे सेल क्या हो गए, अरेंज हो गए। ठीक है, जो बाहर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच वाला लेयर होता है उसका नाम होता है मेसोडर्म, और जो अंदर वाला लेयरिंग हुआ पूरे सेल्स का जो लेयरिंग हुआ उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टो, मीजो और एंडो, ये 3 लेयर्स में सारे के सारे सेल्स क्या हो गए, अरेंज हो गए, और इन्हीं तीनों ने डिसाइड कर लिया कि हम कौन क्या बनाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू की। अब देखिए, जो हमने इसमें टिश्यू देखा है, इस टिश्यू की अगर हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू बनाने की जिम्मेदारी कौन लेता है, तो तीनों ने, एक्टोडर्म ने भी बोला हाथ ऊपर किया, यस मैं बनाऊंगा एपिथेलियल टिश्यू, मेसोडर्म ने भी बोला यस मैं भी बनाऊंगा एपिथेलियल टिश्यू, और एंडोडर्म ने भी बोला यस मैं भी बनाऊंगा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के, तीनों ही बनाते हैं, तीनों ने अपना अपना एपिथेलियल टिश्यू बनाया, यानी कि एक्टो, मीजो और एंडो तीनों मिलकर के एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू की हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू कौन बनाएगा, पूछा गया इनसे, तो इनमें से जो मेसोडर्म है उसने हाथ ऊपर किया कि मेरा काम है मस्कुलर टिश्यू बनाना। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पूछा गया कि कौन बनाएगा, तो इसमें दो है, दोनों ने हाथ ऊपर किया, मीजो और एंडो ने, है ना, मीजो, मेसोडर्म, ठीक है, डर्म का मतलब होता है लेयर, स्किन, है ना, डर्म, इसीलिए हम कहते हैं डर्म वगैरह स्किन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मेसोडर्म, जो मेसो वाली लेयर थी और जो एंडो वाली लेयर थी, इन दोनों ने हाथ ऊपर किया कि हम बनाएंगे कनेक्टिव टिश्यू। बचा क्या हमारा, नर्वस टिश्यू, हमारा ब्रेन। ठीक है, नर्वस टिश्यू के बारे में हाथ ऊपर किया किसने, एक्टोडर्म ने, कि मैं बनाऊंगा नर्वस टिश्यू। ठीक है, और मैं ये करूंगा इस एनिमल को सबसे ज्यादा स्मार्ट। ठीक है ना, मतलब इंसान जो है सबसे स्मार्ट एनिमल हुआ, क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि एक्टोडर्म ने क्या बनाया, एक्टोडर्म ने बनाया हमारा नर्वस टिश्यू। ओके डन, तो बच्चों बात आपको क्लियर हो गई, इन चीजों की का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ दिया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, इस एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी कहते हैं, है ना, या तो आप इसको एपिथेलियल टिश्यू कहिए या टिश्यू हटा करके आप इसको एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। इस एपिथेलियल टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है, देखिए एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कवरिंग, है ना, कवर। अब देखिए पूरी बॉडी को जो कवर करेगा, हर एक चीज को कवर करने की जरूरत है ना, हमारा हार्ट है उसको भी बाहर से एक लेयर से कवर करने की जरूरत है, हमारा लंग्स है उसको भी कवर करने की जरूरत है, हमारा स्टमक है, एलिमेंट्री कैनाल है, सब जगह एक कवरिंग लगी होती है। ठीक है, आप आज मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, उसमें कवरिंग जरूरी है ना, बिना कवर के नहीं रहता। जैसे कि हम चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो चॉकलेट के बाहर भी एक रैपर लगा होता है। ठीक है, नमकीन खरीदेंगे तो वो भी पैकेट में होता है। ठीक है, आप खुला अगर जाते हैं हम लेने के लिए, चावल वगैरह भी लेने जाते हैं तो वो भी हमको एक पॉली बैग में देता है, यानी कि उसको भी कवर कर दिया गया है ना। तो हर एक चीज क्या होता है, कवरिंग होती है। तो हम इंसान जो इतने मतलब सुपीरियर हैं, तो हमको भी क्या करना है, पूरा कवर करना जरूरी होता है। ये जो हमारी स्किन होती है ना, इस स्किन, ये स्किन क्या है, ये स्किन हमारा एपिथेलियल टिश्यू ही तो है, यानी कि पूरी कवरिंग, चाहे कवरिंग हमारे अंदर है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, चाहे कवरिंग ये बाहर है जो हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पूरे शरीर की जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू ही है जो कि कवर करता है बॉडी को, है ना, पूरा कवरिंग बनाता है। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जो
होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो पहला नंबर कि ये टिश्यू जो होते हैं ये कवरिंग करते हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्या होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा सिंपल टिश्यू होते हैं। इनका स्ट्रक्चर के बेस पर हमने बता था ना इनको, तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है, यानी कि सबसे ज्यादा सिंपल टिश्यू, एकदम जो सिंपल जो सेल होते हैं हमारे इनमें से उस तरीके के ये टिश्यू होते हैं। नंबर टू, ठीक है, ये वन लेयर में भी पाए जा सकते हैं और एक से ज्यादा लेयर में भी पाए जा सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ही नहीं, बाकी टिश्यूज भी एक लेयर में भी पाए जा सकते हैं और एक से ज्यादा लेयर में भी पाए जा सकते हैं। जरूरत होती है कि वो कहाँ है और उनको काम क्या करना है ना, जैसे जरूरत होगी वैसे ये इनकी लेयरिंग होती है। तो यदि ये वन लेयर, देखिए ये वन लेयर के होंगे तो ऐसे दिखाई देंगे, एक से अधिक लेयर के होंगे तो ये इसमें लेयरिंग हमने बना दी है, ठीक है ना, कि ऐसे हो सकते हैं ये। तो एक लेयर या एक से अधिक लेयर के हो सकते हैं। जब ये एक से अधिक लेयर में पाए जाते हैं तो इनको स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कहा जाता है ना, कि ये सिंगल लेयर है और मोर लेयर, मतलब एक से ज्यादा लेयरिंग को एक नाम दे दिया हमने स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना, कि ये स्ट्रेटिफाइड स्टेज में है, ठीक है ना, मतलब कि एक कई लेयरिंग वाले स्टेज में है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड, हमारा 1, 2, 3 है ना, 3 पॉइंट में पढ़ लिया। 4 एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गन का एक्सटर्नल सरफेस बनाते हैं, ठीक है, चाहे हमारे बाहर से दिखाई दे रहा हो जो ऑर्गन है ना, उनका भी एक्सटर्नल सरफेस, या अंदर हमारे जो शरीर के हैं ऑर्गन उनके भी एक्सटर्नल सरफेस जो होते हैं, वो सारा सरफेस, चाहे सरफेस अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से कवरिंग कौन करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ही हो गया कवरिंग टिश्यू, ओके। नेक्स्ट है विसरल ऑर्गन, है ना, ये मैंने भी आपको जैसे बताया कि एक्सटर्नल सरफेस हो गया चाहे हमारा, चाहे विसरल ऑर्गन हो गया, विसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं उनको विसरल ऑर्गन कहिए या उनको क्या कहेंगे, इंटरनल ऑर्गन कहिए। तो विसरल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उनकी भी कवरिंग, दोनों की कवरिंग कौन करता है, ये एपिथेलियल टिश्यू करता है, यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन इस चीज को अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिखाया गया एक्सटर्नल सरफेस, यानी जैसे कि हमारे स्किन है, हमारे हाथ हो गए, हमारे हाथ के बाहर जो ये स्किन है, ये स्किन जो है हमारा, है ना, वो उसके बाहर बार में आपको जो सेल दिखाई दे रहे हैं, ये बार बार में जो सेल दिखाई दे रहे हैं, अच्छा देखिए स्किन को बाहर से भी कवर कर रखा है और अंदर से भी कवर कर रखा है, ठीक है ना, मतलब एक जो मोटी लेयर इसके, तो हमारी हमको तो दिखाई, जैसे पतला एक लाइन है उसको जूम करके देखिए तो वो मोटा लाइन दिखाई देगा। तो लाइन कोई भी बनती है तो ये उसका ये भी सरफेस हुआ, ये भी सरफेस हुआ, दोनों सरफेस हुआ ना। तो उसी तरीके से जो हमारी स्किन है, स्किन के भी बाहर बार भी एपिथेलियल पाए जाएंगे और यहाँ भी एपिथेलियल पाए जाएंगे, यहाँ भी पाए जाएंगे और इधर भी पाए जाएंगे, है ना, दोनों साइड में एपिथेलियल पाए जाएंगे। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये एपिथेलियल का लेयर हो गया हमारा और ये एपिथेलियल का लेयर हो गया, ओके डन। तो हमारे ये जो एक्सटर्नल होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं, उसी तरीके से विसरल ऑर्गन जैसे कि हमारे स्टमक है, स्टमक के भी यहाँ बाहर बाहर में भी पाए जाएंगे और अंदर अंदर भी पाए जाएंगे, है ना, इतनी थीन अगर स्किन है स्टमक की तो बाहर वाला लेयर भी क्या है, एपिथेलियल है, और अंदर वाला भी लेयर क्या होगा, एपिथेलियल होगा, ठीक है। नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इसमें क्या होता है, इन टिश्यूज के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, एकदम नहीं होते हैं, या होंगे भी तो बहुत कम, है ना, इनके बीच बीच में स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। स्पेस क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है प्रोटेक्शन, है ना, बाहर पैकेट क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया ना कि अंदर की चीजें बिल्कुल सेफ रहे। तो अगर उसमें ही स्पेसेस रहेगा, गैपिंग हो जाएगी, तब तो कोई भी जर्म्स अंदर आराम से एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, पूरा एकदम पैकअप होता है, यहाँ के जो टिश्यूज होते हैं ना एपिथेलियल टिश्यूज, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, वो एकदम पूरी तरीके से कवरिंग होते हैं, यानी कि अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम पूरा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का है। अगर आपने चिप्स का पैकेट लिया है, उस चिप्स के पैकेट में वो पूरी तरीके से वो पैक होता है, कहीं भी उसमें जरा सा भी कहीं भी उसमें होल नहीं होता है ना, और अगर जरा सा छेद हो जाता है देखेंगे उसमें से सारी हवा निकल जाती है और अंदर का चिप्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें आने जाने का जगह बन गया, ठीक है ना, उसमें से एयर निकल सकता है। उसी तरीके से जो हमारा पूरा स्किन होता है वो पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, एकदम प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ से होकर के जर्म्स अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, उनको बचाने का काम इनका होता है। इसीलिए आपने देखा वो कोरोना के टाइम आपको बार बार क्या बोला जाता था कि मास्क पहनिए, है ना, यानी कि जर्म्स कहाँ से अंदर जा सकते हैं हमारी स्किन से, यहाँ से तो जाएंगे नहीं, कहाँ से जा सकते हैं, हमारे नाक से जा सकते हैं, कान से जा सकते हैं, हमारे मुंह से जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ ओपनिंग है वहां से वो अंदर जा सकते हैं, ठीक है। हमारे स्किन जो होता है एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इस वजह से इन टिश्यूज के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, कवरिंग है ना। अब यहाँ पे बात आती है मैट्रिक्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये
जो टिश्यूज होते हैं इनके चारों तरफ एक जो फ्लूइड पाया जाता है, ये मैं आपको फर्स्ट वाले जो इसका हमने जब पे एनिमल टिश्यू शुरू किया था उसका जो हमारा पहला पार्ट है उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स और इंट्रासेलुलर फ्लूइड इसमें पाया जाता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, अब यहाँ पे जो आपका पॉइंट एट है, ठीक है, एक बात और, ये जो आपका पॉइंट फाइव है, पॉइंट सिक्स है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं और आपको यहाँ पर देती हूँ, और ये जो हमारा पॉइंट एट है इसका एक्सप्लेनेशन हमारा यहाँ नीचे है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे फाइव और सिक्स का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन और हमारे एट पॉइंट का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, पहले हम इसको यहाँ स्टडी कर लेते हैं। देखिए, जो ये हमारा एक शरीर, ठीक है ना, कोई एक इंसान है, ये जैसा भी बना है एक इंसान है। अब इस इंसान की आप देख रहे हैं कि ये जो इसका स्किन है, ठीक है ना, स्किन, चाहे हाथ का स्किन है या पेट का स्किन है, यहाँ ले लिया गया इसके पेट का स्किन, ठीक है। इसके स्किन में आप क्या देखते हैं कि ये होता है हमारा बॉडी वॉल, है ना, ये हमारा क्या होता है, बॉडी वॉल, जो कि मैंने आपको यहाँ भी दिखाया कि ये क्या होता है, हमारा बॉडी वॉल होता है, ठीक है ना, बॉडी वॉल। और बॉडी वॉल के ठीक ऊपर लेयरिंग होती है, किसकी लेयरिंग होती है, एपिथेलियल टिश्यू की, है ना। बॉडी वॉल के ठीक ऊपर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है और बॉडी वॉल के ठीक अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि बॉडी वॉल के मतलब जैसे ये हमारा बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है तो इसकी थिकनेस तो है ना, इतनी थिक है ये, तो बॉडी वॉल के बाहर में भी इसको कवर किया जाएगा, पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा, कवरिंग, एक कवर की जरूरत है, और उसको कवर की जरूरत अंदर से भी है ना, तो बाहर में भी कवर किया जाएगा, अंदर में भी कवर किया जाएगा। तो बाहर में जो कवर किया गया एपिथेलियल टिश्यू, अंदर में जो कवर किया गया वो भी एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। लेकिन अंदर हम पता कैसे करेंगे कि किस एपिथेलियल टिश्यू की आप बात कर रहे हैं, बाहर वाले इसके इसकी बात कर रहे हैं इस एपिथेलियल टिश्यू की, या इसके पीछे अंदर में जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने उसको एक नाम दे दिया, ठीक है ना, कि अंदर वाला जो है उसको हमने नाम दे दिया कि तुम्हारा नाम रहेगा पेरिटोनियम, ठीक है। तुम भी एपिथेलियल हो लेकिन तुम्हारा नाम रहेगा पेरिटोनियम। जब मैं पेरिटोनियम बोलूंगी तो आप एकदम एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि मैं इस लेयर की बात नहीं कर रही हूँ, इस लेयर की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसके अंदर है ना, ये लेयर हमारा एपिथेलियल हो गया, उसके बाद बॉडी वॉल होगा, और उसके नीचे अंदर में जो होगा वो होगा हमारा, वो भी एपिथेलियल है जिसका नाम है पेरिटोनियम, ठीक है। ये तो हमारा हो गया शरीर, इसकी है ना, ये हो गया हमारा पेट। अब इसके अंदर हम जाते हैं तो अंदर देखिए, जो भी हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, वो एक कैविटी में एक पैकेट पैकेट बना होता है। शरीर के अंदर की भी हम स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी कैविटीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा क्रैनियल कैविटी है ना, थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है। तो हमारे जो चीजें होती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक वगैरह हो गया, सारी चीजें जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाले गया, हमारे हार्ट वगैरह हो गया, ठीक है, हमारा सॉरी हार्ट नहीं हार्ट हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक पैकेट में ये पैकअप होते हैं, अंदर भी ऐसे नहीं खुला ऐसे पड़े हुए है ना, एक पैकेट में होते हैं, ठीक है। तो एक कैविटी में ये पाए जाते हैं, उस कैविटी को, उस पैकेट को मैंने बोला यहाँ पर सिलोमिक कैविटी, ठीक है, और उसके अंदर एक फ्लूइड भी भरा होता है जिसको बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड। कोई भी ऑर्गन आप देखेंगे कि जब बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन होते हैं वो ऐसा नहीं कि एकदम सूखे सूखे होते हैं ना, सब एकदम बिल्कुल ऐसे गीले गीले से होते हैं ना, एकदम ऐसा ऐसा पूरा लिक्विड। कभी अगर आपने कोई वीडियो देखा होगा ऑपरेशन वगैरह का, तो उसमें देखेंगे कि बहुत ज्यादा ऐसे गीलापन रहता है ना, तो क्या गीलापन रहता है, वो एक पैकेट में होते हैं, है ना, पहले पैकेट को हटाना पड़ता है, पैकेट के अंदर पैक होते हैं, और जो उसके अंदर पूरा गीला होता है ना उसको हम बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड, और जो वो पैकेट होता है ना, जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी में सिलोमिक फ्लूइड होता है, उसी में ऑर्गन्स वहां पर रहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा कैविटी है उसके अंदर मैंने ले लिया स्टमक, ठीक है, मान लो हमारा ये स्टमक है, ठीक है, हमको अंदर के ऑर्गन्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पे एपिथेलियल पढ़ रहे हैं। एपिथेलियल पढ़ने के लिए हमको अंदर जाना तो पड़ेगा ना, तो हम पहले स्किन से देख रहे हैं एपिथेलियल, अब हम अंदर जाएंगे, ठीक है, अंदर गए और हम हमारी मुलाकात हुई स्टमक से, पेट से मुलाकात हुई। स्टमक के भी जब हमने वॉल को देखा तो हमने क्या देखा कि ओ, इस स्टमक के वॉल के बाहर बाहर भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है ना। तो स्टमक जो है ये पेट जो हमको दिखाई दे रहा है, देखिए इस स्टमक के बाहर में भी आपको एपिथेलियल दिखाई दे रहा है और अंदर में भी एपिथेलियल टिश्यू दिखाई दे रहा है। यानी कि यही बात तो यहां कही जा रही थी ना कि विसरल ऑर्गन जो होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन रहते हैं, उन ऑर्गन को भी बाहर से भी और अंदर से भी, उन ऑर्गन को कौन वहां पे किसकी लेयरिंग होती है, तो उन ऑर्गन्स के बाहर और अंदर भी लेयरिंग होती है हमारे एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि एपिथेलियल टिश्यू बाहर भी है और अंदर भी है। लेकिन अब मैं एपिथेलियल एपिथेलियल कहूंगी तो मैं किस
एपिथेलियल की बात कर रही हूँ, यहाँ वाले की या किसी बात कर रही हूँ, उस एपिथेलियल को कुछ अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको दिया, इसको हमने क्या बोला, पेरिटोनियम। ठीक है, तो इस स्टमक के जो बाहर वाले हैं, मतलब अंदर वाले ऑर्गन के जो बाहर वाली लेयरिंग है ना, उसको हमने नाम दे दिया, उस एपिथेलियल को हमने नाम दे दिया पेरिटल पेरिटोनियम। ठीक है, नाम दे दिया हमने क्या, पेरिटल पेरिटोनियम। ठीक है, और जो अंदर की तरफ जो एपिथेलियल है उसको हमने नाम दे दिया विसरल पेरिटोनियम, है ना। विसरल मतलब अंदर पाया जाने वाला पेरिटोनियम, तो इसमें भी अंदर वाली लेयरिंग एपिथेलियल जो होगा वो विसरल पेरिटोनियम कहलाएगा, और जो बाहर वाला यहाँ पे पेरिटोनियम है यानी कि एपिथेलियल टिश्यू ही है, जिसको हम पेरिटल पेरिटोनियम कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। सब मिला के एपिथेलियल ही है, लेकिन बस उसको नाम दे दिया गया। याद हो सके तो याद कर लेना कि बाहर जो है वो एपिथेलियल है, ठीक है, इसके अंदर वाली जो है उसको हम पेरिटोनियम बोल देंगे। अब स्टमक के जो बाहर में है उसको हम पेरिटल पेरिटोनियम बोलेंगे, और स्टमक के जो अंदर वाली होगी उसको हम विसरल पेरिटोनियम बोलेंगे। बस इतनी सी ही बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा डन, है ना। अब हम आते हैं कि इसी को, है ना, यहाँ का जो हमारा ये स्किन है, जो हमारे पेट का हमने स्किन लिया, इसी स्किन को यदि मैं और आपको यहां से ला करके और ज्यादा अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो उसमें और आपको क्या क्या दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर हमको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाई देंगे जो कि कैरेक्टर्स एपिथेलियल टिश्यू के ही होते हैं, दूसरे में ये कैरेक्टर नहीं पाए जाते। तो हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको उसके कुछ खास कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। ये दूसरे टिश्यूज में ये कैरेक्टर नहीं पाए जाते हैं, ये ओनली और ओनली पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू में ही। ठीक है, तो चलिए हम उस एपिथेलियल टिश्यू को, हमने देख तो लिया कि तुम यहाँ यहाँ हो, लेकिन तुमको और जानना चाहते हैं ना, तो जूम करके उसको और देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ से इसको जूम किया और हम यहाँ आ गए इस स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार और वापस बता रही हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाया, बॉडी वॉल, है ना। तो ये हो गया हमारा बॉडी वॉल, सबसे पहले ये बॉडी वॉल होता है। ठीक है, बॉडी वॉल से हम बाहर की तरफ भी जाएंगे, बॉडी वॉल से अंदर की तरफ भी जाएंगे। ये हमारा बॉडी वॉल, बॉडी वॉल से ये जो हमको बाहर दिख रहा है ये भी इसकी तरफ भी आएंगे और अंदर की तरफ भी जाएंगे। बॉडी वॉल के ठीक अगर बाहर आप चलते हैं तो आपको यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देगा। ठीक है, एपिथेलियल नहीं है अभी, है ना, अभी क्या है यहाँ पर आपका ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इस कनेक्टिव टिश्यू को हम डर्मिस भी कहते हैं, मैंने लिख भी रखा है कहीं। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है इसको डर्मिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू यानी कि डर्मिस का लेयर हो गया। ओके, इस कनेक्टिव टिश्यू में आपको बहुत सारे ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, ब्लड वेसल्स, यानी कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही होता है ना, कनेक्ट करना। तो ये जो है इसमें ब्लड वेसल्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, बात समझ में आई। ये हमारा पूरा क्या हो गया, डर्मिस, है ना, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो गया, बॉडी वॉल की बार कनेक्टिव टिश्यू, उसमें ब्लड वेसल्स बना लिया और उसमें हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बह रहा है। ठीक है, इसके बाहर में अब क्या होता है, देखिए यहां तक होने के बाद अब हमारा ये हो गया हमारा पूरा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाहर में यहां पर लेयर होता है, इसको बोलते हैं हम, ये हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये पूरा जो हो गया ना हमारा, ये हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखिए, ये पूरा तैयार हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अब यहां पर जो ये लेयरिंग होती है, ये होती है हमारे एपिथेलियल टिश्यू की लेयरिंग, है ना, एपिथेलियल टिश्यू की लेयरिंग ये होती है ना। ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू, बात समझ में आई आपको, ये एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो ऐसे ही नहीं रहता है, एपिथेलियल टिश्यू के लिए सबसे पहले बेस तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सिंहासन लग रहा है ना कि उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू को बैठना है, तो ये बेस तैयार किया गया है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। देखिए, ये रहा हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है हमारा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एकदम उसको सुरक्षित करेगा कि आ जाओ, है ना, मैं नीचे यहाँ पर हूँ, अब मेरे ऊपर पूरा एपिथेलियल टिश्यू रहेगा। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू ये आ गया और ये हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर। अब देखिए, खास बात आप याद रखना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ये केवल एपिथेलियल टिश्यू में ही पाया जाता है, ये पॉइंट हमारा नोट करने का पॉइंट है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू होता है इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है ना,
ये वो टिश्यू है जहां पर की ब्लड कैपिलरीज नहीं पहुंच रहे हैं, है ना, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। फिर आप सोचोगे कि जब ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो ये सेल क्या डेड सेल होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये लिविंग सेल होते हैं, जिंदा भी होते हैं, और खास बात है कि इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी भी होती है। जब हमारा हाथ कहीं से कट जाए, ठीक है, या हाथ जल जाता है, थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि वहां स्किन भर जाती है और वापस वो वैसे का वैसे पूरा स्किन नया आ गया। कैसे आ जाता है? क्योंकि इन सेल्स के अंदर रीजनरेशन, री मतलब वापस, जनरेशन मतलब वापस जन्म लेने की कैपेसिटी होती है ना, ये रीजनरेट करते हैं, रीजनरेशन होता है, और रीजनरेशन करके वापस ये ढेर सारे सेल बन जाते हैं। तो जब इनमें इतनी अद्भुत कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, और ये जब लिविंग सेल्स होते हैं, तो फिर ये जिंदा कैसे रहेंगे बिना ब्लड की? ठीक है, क्योंकि ब्लड का ही काम रहता है कि ब्लड ही वो चीज है जो क्या करता है, हर सेल के पास जो जरूरी चीज है वो पहुंचाता है। ठीक है, सेल को जो कुछ भी चाहिए, सेल को चाहिए ग्लूकोज, है ना, कौन लाके देगा? ब्लड। ठीक है, सेल कहता है मुझे ऑक्सीजन लाके दो, कौन लाके देगा? ब्लड। ठीक है, सेल उससे क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ करके और एनर्जी अपने लिए बनाता है ना, और एनर्जी बना करके उस एनर्जी का यूज करता है, उस एनर्जी से ये क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, सेल जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको जो जरूरत थी पहुंचाया किसने, ब्लड ने, और उनकी जो वेस्टेज चीजें थी जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और भी बहुत सारी वेस्टेज चीजें जो होती हैं, वो कचरा भी वहां से सेल से वापस लेके आने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। तो ब्लड का काम अच्छी चीजें पहुंचाना, गंदी चीजें उनसे लेना, ये सारा काम किसका होता है? ब्लड का होता है। अब जब इन सेल के पास ब्लड पहुंचेगा ही नहीं तो ये बेचारे सेल कैसे सर्वाइव करेंगे? तो अब देखिए इनमें क्या होता है, होता ये है कि जो ये हमारे सेल्स है ना, ये हमारे हो गए एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मैंने आपको बताया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे इनकी व्यवस्था की गई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे। अच्छा एक बात और, ये जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना, ये क्या होता है, ये कोई सेल मतलब ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। बेसमेंट मेम्ब्रेन याद रखना कि ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये बना होता है किससे? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, है ना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है, और ये क्या होता है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस ये सेल से बना हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, अब इन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स देने की व्यवस्था कहाँ की गई है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक नीचे। मैंने बताया आपको कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक नीचे ये वाली जो लेयर है वो क्या है, वो है हमारी डर्मिस लेयर, है ना, डर्मिस है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स है, मैंने आपको दिखाया ना अभी ये कि इन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये ब्लड वेसल्स हमारे हैं, ये जो ब्लड वेसल्स है इनमें ब्लड रहता है, तो यहां से सप्लाई हो रही है इनको जो भी चीजें इनको चाहिए, वो ये यहाँ से ब्लड वेसल्स इनके थ्रू, यानी कि हमारे ये जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन है इनके थ्रू एपिथेलियल टिश्यू को दिया जाएगा। डायरेक्टली इनमें जो है ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड कैपिलरीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको न्यूट्रिएंट्स देने का काम, जो कुछ भी देने का काम है, वो इसके नीचे पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स जो है वहां से व्यवस्था की गई है कि वहां से तुम लोग ले लेना। तो यहां से ये इनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारी चीजें पहुंचाते हैं, और ये क्या होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं एकदम, है ना, कि कोई भी चीज हम ना तो अंदर आने देंगे और ना अंदर से कोई चीज हम बाहर जाने देंगे, यानी कि हम क्या है, पूरा एक कवरिंग है, पूरा एक प्रोटेक्टिव लेयर है, हम कुछ भी इसमें अंदर नहीं आने देंगे, यानी कि शरीर के बाहर जब हमको खड़ा किया गया है तो हम क्या करेंगे कि शरीर को बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, तो यहाँ से कोई चीज अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, इनमें इंट्रा सेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, एकदम ये पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारा स्किन है, यानी कि जो हमारा ये बॉडी वॉल है, शरीर का हमारा जो ये पूरा ये वॉल है, उसके बाहर में आपने देखा कि पहले एक लेयर, दो लेयर, तब हमारा यहाँ पर एपिडर्मिस है, है ना, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को एपिडर्मिस कह सकते हैं, ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमारे यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स है। अब अंदर भी जब हम चलेंगे तो यही तीनों लेयर अंदर भी होती है ना, यानी कि बाहर बाहर पहले यहाँ पर क्या होगा, पहले यहाँ होगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में होगा ये ब्लड वेसल्स हो गया, उसके बाद हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू के बाद हमारा क्या होगा यहाँ पर, अब हमारा यहाँ पर होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद अब यहाँ पर क्या होगा हमारा,
अब होगा हमारा यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इस एपिथेलियल टिश्यू को हमने क्या किया, बाहर वाले एपिथेलियल टिश्यू को हमने एपिथेलियल टिश्यू बोला, अंदर वाले एपिथेलियल टिश्यू को हमने क्या नाम दे दिया, पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरिटोनियम, दिख रहा है ना आपको, ये हो गया पेरिटोनियम। अब सेम यही लेयरिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे पैराइटल पेरिटोनियम, और इसको ये चीज अगर यही स्ट्रक्चर यहाँ होता है तो इसको पैराइटल पेरिटोनियम, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। ये हो गया इसी चीज का स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर की गई है ना। तो बहुत सारे इसमें आपको पॉइंट मिलेगी, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर ये खास कैरेक्टर होता है कि उसमें डायरेक्टली ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, उसके उसमें जो है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन देखिए, ये इसको यहां से बिल्कुल इसको पकड़ के रखेगा ना, सारे एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन को बिल्कुल चिपके रहेंगे, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ने सबको क्या किया है, इसको बेस दिया है, हर एपिथेलियल टिश्यू को पकड़ के रखा है, चाहे यहाँ वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन हो या यहाँ वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन हो, दोनों का यही काम है कि जो हमारे ऊपर एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उन एपिथेलियल टिश्यू को क्या करेंगे, एकदम पकड़ के रखेंगे, यानी उनको फुल सपोर्ट देने का काम किसका है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जो कि केवल एपिथेलियल टिश्यू में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसी खास बातें देखी जो कि एपिथेलियल टिश्यू में ही पाया जाता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो किसी सेल का बना हुआ नहीं होता है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, ठीक है। ओके बच्चों, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, देखिए यही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं हमारे 5 और 6, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद 8 में एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू वो नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, है ना, मतलब एपिथेलियल के टिश्यू के ठीक नीचे नॉन लिविंग, ठीक है, मतलब नॉन लिविंग सेल बना हुआ नहीं है तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जिसमें की ब्लड उसके नीचे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है ना, ब्लड कैपिलरीज होती है किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में। ये सारी चीजें यहाँ पर और एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया। और एपिथेलियल टिश्यू जैसे कि हमारा स्किन हो गया, ठीक है, और इनमें क्या होता है, पावर ऑफ डिवीजन, है ना, हमारी जो स्किन की सेल होती है इनमें डिवीजन करने का पावर होता है, तभी तो मैंने आपको बताया कि इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये जो है रीजनरेट कर जाते हैं, हमारा हाथ करता है जलता है वापस से रीजनरेट कर जाता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का ये हमने बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ लिया बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, देखिए एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टर्स हो गया हमारा, अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन, इनका काम क्या होता है, ठीक है। तो काम में हम सारी चीजें देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन में है, और वहां वहां पर इसका क्या काम होता है। मेनली काम मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं इनका मोस्टली काम यही होता है कि ये कवरिंग है ना, तो कवर करने का मतलब कि कवर कर रहे हैं तो ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे ना, प्रोटेक्ट करने का इनका काम होता है, सारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी इनके जो फंक्शन है, स्पेशल स्पेशल फंक्शन है अलग अलग तरीके के, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अभी हमारा आगे इसमें ये भी है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये कहीं कहीं पर मॉडिफाइड होते हैं, इनका कुछ स्ट्रक्चर जो होता है अलग हो जाता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू अपने रूप को चेंज करते हैं क्योंकि वहां पर इनको प्रोटेक्शन के अलावा दूसरे काम भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहना। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।